आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाले पति को शाहपुर थाना की पुलिस ने किया 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार। पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी ने किया सनसनीखेज खुलासा, भेजा जेल। शासन के निर्देश पर खत्म हुआ रविवार की साप्ताहिक बंदी। एडीएम फाइनेंस ने कहा प्रत्येक दिवस सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुलेंगे बाजार। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया राप्ती नदी से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराएं सभी सुविधाएं, संबंधित अधिकारी करें गांव में कैंप, अनुपस्थित पाए गए तो होगी इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने एडीएम फाइनेंस के नेतृत्व में सद्भावना दिवस पर लिया प्रतिज्ञा शपथ। स्वर्गीय राजीव गांधी को अर्पित किया श्रद्धांजलि। महानगर में सकुशल संपन्न हुआ मुहर्रम का पर्व। एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा लोगों का मिला भरपूर सहयोग। 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेटों को दिया गया प्रशिक्षण। एडीएम फाइनेंस ने कहा पूरी शुचिता के साथ संपन्न कराई जाएगी पीईटी परीक्षा, यातायात व्यवस्था भी रहेगी सुदृढ़। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 47 केंद्रों पर 10,401 लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,105 और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,296 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य लगवाएं, टीका जीत का। कोविड टीकाकरण व एंसेफेलाइटिस उन्मूलन पर आयोजित हुआ मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला। सीएमओ ने कहा जन समुदाय के सहयोग से ही कोविड व एंसेफेलाइटिस से मुक्त होगा गोरखपुर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में निकाला जय भारत महासंपर्क अभियान प्रभात फेरी यात्रा। श्रम दान करके अर्पित किया पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि। गोरखपुर में शुक्रवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,388। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर दिखा उत्साह। हाथों से बनी भारतीय राखियों से पटे बाजार। 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की है राखियां। छोटा भीम, मोटू पतलू और डोरेमोन की राखियों की है डिमांड। श्री श्री रामलीला समिति आर्यनगर की बैठक समिति के अध्यक्ष पुष्प दंत जैन की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा 5 से 16 अक्टूबर तक किया जाएगा रामलीला का मंचन। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर उतारेंगे प्रभु श्री राम दरबार की आरती। सूरजकुंड धाम परिसर में गंदगी और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर गोरखनाथ मंदिर के सचिव ने किया निरीक्षण। नगर निगम के अधिकारियों को साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। और जनपद की राप्ती रोहिन घाघरा नदियां उफान पर। बाढ़ से 51 गांव हुए आंशिक रूप से प्रभावित। 36 गांव में लगाई गई नावें। बाढ़ चौकियों को किया गया अलर्ट। एडीएम फाइनेंस ने कहा जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है राहत और बचाव कार्य, स्थिति सामान्य।